हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट करता है देखो अगर आपके पास सिंपली थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक पॉइंट uh, चार्ज है पॉइंट चार्ज आपको सबको पता होता है दिस इज ए पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म तो इस पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई डाइपोल रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए डाइपोल है ना नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है विच इज़ नॉट ज़ीरो बट जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है कीप इन माइंड बट इन नॉन यूनिफॉर्म इट मे बी ज़ीरो मे नॉट बी ज़ीरो मे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में तो कीप इन माइंड फिर से मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल मे और मे नॉट बी जीरो ठीक तो अभी हम जो कंडीशन सिचुएशन देखने वाले हैं उसमें देखो कैसे देखते हैं कि हम ना इसको पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करेंगे कि कैसे फोर्स तक पहुंचते हैं क्योंकि हमें मैकेनिक्स में पता होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की हालांकि चार्ज जो है रेस्ट पर है है ना तो ये जो फील्ड है ये कैसी होगी कंजर्वेटिव होगी ओके सो दिस फील्ड इज कंजरवेटिव कंजरवेटिव इन नेचर सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन दैट फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द du अपॉन डी आर वेर यू इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल और फील्ड से जो सिस्टम बन रहा है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो सिस्टम बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो जिसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं दिस इज द पोटेंशियल इनर्जी ऑफ द डाइपोल चलिए सो दिस इज द यू डिफाइंस द पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एनर्जी ऑफ द डाइपोल हालांकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन की जाती है और यहां पर वो सिस्टम है डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल राइट सो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे हम फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे राइट right? अब हमें हमारे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ नेगेटिव ऑफ पी ये हमें पता होता है इसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है है ना अब इसको हम अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में अगर मैं सब्सिट्यूट करता हूँ देन फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफ्रेंसीेशन आर और U की जगह मैं लिख दूंगा नेगेटिव ऑफ P डॉट E इस तरह से राइट right? तो इसको अब देखो डॉट प्रोडक्ट है है ना डॉट प्रोडक्ट है तो मैं सिर्फ वो डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए मैं सिर्फ वो वाला कंपोनेंट फोर्स का लूँगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा है ना तो इसके लिए हम बेटा नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे सो डी अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ देन पी ई तो अब एक्स लिखा है तो ये आ गया किस कौन सा कंपोनेंट है ई कंपोनेंट हो गया सो so, ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो फोर्स है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाइपल मोमेंट तो कांस्टेंट होगा तो पी को मैं डिफेंसिएशन से बाहर ला रहा हूँ सो डिफेंसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ये जो फोर्स होगी ये एक्स कंपोनेंट होगा और यू कैन से दिस फोर्स रिप्रेजेंट द कंपोनेंट विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस इज

अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया याद रखिए कि ये जो मैंने लिखा है ये जो चीज है ये क्या है मैग्नीट्यूड है क्या है बेटा ये मैग्नीट्यूड है ठीक तो फोर्स का यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक इन्फनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है ना? है ना यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इनफेनाइटली लॉन्ग इस तरह से ये मेरे पास एक वायर हो गई ठीक चलो मैं ऐसे बना देता हूँ इन्फाइन लॉन्ग है लेट्स से दिस इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और यहाँ कहीं एक डाइपोल रखा गया है विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ आर और एक्स कुछ भी लिख सकते हैं है ना अगर मैं आर लिख देता हूँ तो आप आर कंसिडर कर लेंगे तो ये डाइपोल है हमारे पास आपको पता है अब डाइपोल है तो ये डाइपोल का जो ये नेगेटिव एंड होगा और ये पॉजिटिव एंड होगा है ना अब ये जो वायर है हमारे पास इस वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेट से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच इज एट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द वायर है ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसका भी डेरिवेशन हम देख चुके हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेट से दिस इज पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इजिकल टू टू के लेमडा अपॉन आर सो वेयर लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर क्लियर सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता लग गया हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी थी क्या एक्सप्रेशन है फोर्स का एक्सप्रेशन है डाइपोल मूवमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो इस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिफ्रेंशिएट किसका करना है डिफ्रेंशिएट करना है हमें टू के लेम्डा अपॉन आर को जब मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आप देखोगे टू के लेमडा तो डिफ्रेंसीशन से बाहर आ जाएंगे तो फोर्स हो जाएगा पी या टू के लेमडा तो सिर्फ डिफ्रेंसीन किसका हो रहा है डिफ्रेंसीशन होगा यहाँ पर आर की पावर माइनस वन का तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू टू पी के लेमडा है ना तो कितना आएगा ये ये इतना आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद विच इज इक्वल्स टू टू पी के मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू दिस इंफली चार्ज लॉन्ग वायर सो दिस इज द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फेनाइट वायर और स्ट्रेट वायर ठीक है और अगर इसका इस फोर्स का डायरेक्शन देखना हो कैसा है रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा है यह ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है और ये जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी अट्रैक्टिव है ना तो इस पर जो फोर्स लगेगा है ना इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा मैं कहता हूँ एफ और इस पॉजिटिव चार्ज पे डाइपोल के एक फोर्स लगेगा रिपल्सिव मैं लिखता हूँ एफ टू तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एफ वन का मैग्नीट्यूड होगा वो एफ टू के मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए एक्चुअली होगा क्या बड़ा ही होगा क्यों बड़ा होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नियर टू द वायर एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज राइट सो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी सो द नेट फोर्स एक्टिंग इज़ नथिंग बट एफ वन नेगेटिव एफ टू सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाईपोल विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर सो ये जो फोर्स आई है ये कैसी होगी अट्रैक्टिव होगी दिस इज अट्रैक्टिव और टूवर्ड्स अ वायर ओके सो ये एग्जाम्पल था और ये छोटा सा रिजल्ट था सो दैट की क्योंकि नीट लेवल में क्लास में या आप देखोगे पैकेजेज में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज होता थी नीट के पैकेज में पर्टिकुलरली ये टॉपिक को मिस कर दिया जाता है यहाँ ही एक नोट सा लिख दिया जाता है तो मैंने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया है और आपके सामने एक एग्जाम्पल रखी है सो so दैट कि आपको क्लियर हो सके मैं फिर से आपको बोल के बता रहा हूँ क्योंकि लिख के मैंने पहले पुराने लेक्चर्स में बता दिया है कि जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा उस पर नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी जीरो होगी बट जब वही डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल मे और मे नॉट बी जीरो इस बात का हमेशा ध्यान रखें थेरोटिकल क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है और अगर नोमेरिकल आता है तो इससे आप इस तरह की डिस्कशन से आप उस नोमेिकल को अटैम्प्ट कर सकते हैं आज के लेक्चर में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए विश यू ऑल द बेस्ट बाय बाय